मेगा नाश्ता। अरे वाह क्या बात है, मतलब आज तो बहुत जल्दी नाश्ता तैयार कर दिया तुमने। हाँ बस ऐसे ही। लेकिन आप क्यों जल्दी रेडी हो गए, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे वो राकेश है ना, जो दिन घर पर आया था हमारे, बस कुछ दिन के लिए छुट्टी पर गया है वो, इसलिए बॉस ने उसका सारा का सारा काम मेरे सर पे डाल दिया। अच्छा। वैसे अपनी काम वाली बात, मुझे बोल रही थी 9 बजे आ जाया करूंगी, 9:30 बज चुके हैं। पता नहीं आज कहाँ रहेगी। आने दो उसे। ओ हेलो किधर बैठो, मैं जा रहा हूँ। अरे हमसे नाश्ता करो, काम वाली बाई होगी इस वक्त, और कौन होगा। आ गई तुम, आओ। भाभी भैया जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते रेखा ताई, आपने तो बोला था 9 बजे आ जाया करोगे, 9:30 बज चुके, इतना लेट किसके लिए। भैया जब पगार की बात हुई थी तो कितना बोला था मैंने, 10,000, और आपने 2,000 कम किए, तो फिर मैं ऑटो से कैसे आएगी, बस से आना पड़ता है, और वो 29 नंबर की बस तो इतनी देर देर में आती है, तो थोड़ा बहुत तो लेट होगा ना। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, तुम्हें एक काम करना है मेरा। काम? बोलिए ना साहब, क्या काम करना है? वो काम, अच्छा मैं बाद में बताता हूँ, टिफिन दो मेरा, लेट हो रहा है मुझे। ये भाभी मैं बर्तन कर देती हूँ। हाँ। देखो आराम से काम कराना इससे, ठीक है, शाम को मिलता हूँ। बाय बाय। मान गई तुम्हें। अरे तुम्हारे बालों की खुशबू, आज तो तुम पूरी कयामत उठा रही हो, पता है?
क्या हुआ? हम अमित को धोखा दे रहे हैं। मैं उसकी पत्नी हूँ और तुम उसके दोस्त, ये सब सही नहीं है। मैं दोस्त और तुम पत्नी। अच्छा, इस पत्नी की रत्ती भर भी कदर है उसे? नहीं तो इतनी खूबसूरत लड़की को ऐसे घर में कौन कैद रखता है, बताओ। और जहां तक रही मेरी दोस्ती की सवाल, मेघा, अमित जैसा सेल्फिश इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। वो दोस्ती सिर्फ मतलब ही से करता है। मुझसे भी तभी बात करता है जब उसे कोई मतलब होता है, वरना तो सिर्फ हाय हेलो। कई बार तो वो भी नहीं। और उसी तरह वो तुम्हारा भी यूज कर रहा है, 24 घंटे तुम पर नजर रखता है। और ऐसे जानवर भी तरह कैद कौन रखता है? मेघा, इंसान प्यार में क्या से क्या कर जाता है। मुझे देखो देखो देखो, अपना सारा काम धाम छोड़ के ना तुम्हारे लिए काम वाली बाई बन गई। अमित करता कुछ ऐसा, बताओ। नहीं ना, ऐसा सोचना भी गलत है। एंड आई प्रॉमिस, तुम पर कभी थोड़ी सी भी आंच नहीं आने दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। रेखा, कल शाम से मैंने तुझे नहीं देखा, कब और कैसे चली गई थी तू? मैं कितना इंतजार करता रहा तेरा। तुझे भी मैंने ना तेरी सीट पे नहीं देखा, कहाँ था तू? मैं तो सारा दिन काम करते करते थक गई थी, इसलिए सीधा घर चली गई। देख, मैं आज तेरा इंतजार करूंगा। जाना तो मिल के जाना, वो क्या है ना, दिन भर वाच मैं नहीं करते करते थक जाता हूँ। तू रहेगी तो थकान उतर जाएगी। इधर आ, हाथ दे। आज शाम को ना मैं तेरी थकान अच्छे से उतार दूंगी, ठीक है? अब जाऊं नहीं तो भाभी जी गुस्सा करेंगी। जा। गंदा। आज नजर रखूंगा इस पे, कहीं फिर गायब हो गई तो। राकेश, तुम उससे प्यार तो करते हो ना? प्यार नहीं, तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अच्छा, न जाने कैसे क्यों पूछा, मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? मेघा, मुझे लगता है शायद शिवानी हमें देख लिया। उठो। जी को सब कुछ बता देगा। हाँ, पैनिक मत करो, मुझे लग रहा है शायद देखे। हाँ, मैं देख के आता हूँ। भगवान, अभी अमित साहब को फोन करके बताता हूँ। नहीं, अमित साहब को फोन करके बताने से मुझे क्या फायदा होगा? भाभी जी से हिसाब करता हूँ। हाँ, अब आएगा मजा। शिवा, ऐसे अचानक सामने क्यों आए? इसलिए कि अचानक सामने आने से सबका सच सामने आ जाता है। सबका सच? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम दोनों का नाटक इस मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया है। बहुत अच्छा रूप बनाया है अमित साहब को धोखा देने के लिए। और भाभी जी, तुम एकदम सती सावित्री दिखती रहती हो, हैं? तुम दोनों का नाटक इस मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया है। नाटक खत्म। तो तुझे सब कुछ पता लगी गया है, तो फिर ये राज राज ही रहना चाहिए। और इसके लिए तुझे जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। अमित तक ये बात पहुंचनी नहीं चाहिए। पैसा? पैसा? पैसा तो अमित साहब इस घर की रखवाली के लिए मुझे देते ही हैं।
तो अमित साहब को तो मैं ये बात बताकर ही रहूंगा। प्लीज शिवा भैया, अमित जी को कुछ मत बताइए वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज शिवा भैया भैया मुझे पैसा तो चाहिए ही चाहिए, पर भाभी जी आपसे मुझे कुछ खास चाहिए। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि आपका मैं आशिक हूं और आपके साथ आपके कमरे में एक बार हसीन पल बिताना चाहता हूं। तेरे हसीन पल की ऐसी की तैसी, साले जान से मारूंगा समझा? जान से मारेगा तुझे, छोड़ छोड़ मुझे। तेरी हिम्मत कैसे है मेरे पे हाथ उठाने की? मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, सब कुछ सच बताऊंगा मैं अमित साहब। तब तुम लोगों को समझ में आएगा। तेरे पास फोन में रिकॉर्डिंग है ना? हाँ। हाँ? इसी पे उछल रहा है ना? हाँ। तेरी लड़की की छोड़ मोबाइल छोड़ मोबाइल दे मुझे। तेरी तो मेरे मेरा मोबाइल छीनेगा। शिवा शिवा पता नहीं कहाँ चला जाता है ये। शिवा पता नहीं कहाँ मर गया। क्या क्या मेगा? मैंने क्या किया? मैं तो तुम्हें बचा रही थी राकेश। ये तो मर गया। मुझे सोचने दो। तुम जाके दरवाजा बंद करो। मेघा दरवाजा बंद करो। मेघा, अरे क्या हुआ? अरे इतनी घबराई हुई क्यों? क्या हुआ? राकेश कामवाली के भेस में? ये तो शिवा है। अमित दरअसल मैं सब कुछ बताता हूँ। मैं बताता हूँ सब कुछ क्या हुआ। अब मुझे समझ में आ रहा है क्या हुआ है। तुम दोनों मिलके मुझे धोखा दे रहे थे और जैसे शिवा को पता चला तुमने मार डाला इसे। यही हुआ ना? अमित जी मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं तुझे? अब समझ में आया इस माया नगरी के लोगों से तुझे दूर क्यों रख रहा था? अब देखा क्या कर दिया तुमने। कितनी बार समझाया था ये आदमी का कैरेक्टर ठीक नहीं है, दूर रहे इससे। तुम लेकिन इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और बस सब कुछ गवा दिया तुमने। अमित अमित देखो मेरी गलती है, लेकिन ये खून मैंने नहीं किया। ये तुम्हारी बीवी ने किया, मेघा ने किया। लेकिन ये वक्त लड़ने का नहीं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, इसलिए तुम मेरी मदद करो। मदद तो मैं करूंगा तुम्हारी। इस बात का प्रायश्चित करने में पूरी मदद करूंगा तुम्हारी। अभी देखो मैं पुलिस को बुलाता हूँ इसके पापा। नहीं अमित अमित पागल बन मत करो। अमित 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 मेरी बात सुनो। अमित अमित हेलो पुलिस स्टेशन।